दर्शन बहुत अच्छे हैं आप। चीज है माता, क्या है, क्यों आप परवारु केंद्र क्या है? बंदर श्री मिले तो उन्हें केला देते। मंदिर के अंदर पहुंचने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि द ट्रैवलिंग विज में आपका स्वागत करता हूं, मैं यश भारद्वाज। तो आज मैं जाने वाला हूं माता बैलोन देवी मंदिर। बैलोन देवी मंदिर बुलंदशहर स्थित है, पर यहां से बुलंदशहर से 70 किलोमीटर है। पता है हमारा बुलंदशहर बहुत बड़ा है, तो 70 किलोमीटर अभी मैं ट्रैवलिंग करूंगा और माता बैलोन देवी मंदिर पहुंचूंगा। आपको मंदिर का ब्लॉग दिखाऊंगा। और बहुत प्राचीन है गाइस, बहुत प्राचीन मंदिर है। वहां पर जाते लगती है पूरे ऑल इंडिया से जो लोग आते हैं, पीले कपड़े पहनकर वहीं पहले जाते होते हैं, उसके बाद नगर कोट जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं माता बैलोन देवी मंदिर, चलिए। ये है मेरा आज का डाइट, मतलब व्रत का फलार, इसे खा के बात करता हूँ। और मेरी साड़ी इसमें फंस चुकी है। भाई बहुत सुंदर, आपको व्यू दिखाने के लिए मैंने रुका हूँ, अभी मंदिर जा रहा हूँ मैं, आगे बात करता हूँ और मम्मी की एक वीडियो बना लेता हूँ। इस दिख रहा है ना कि गुलाब ही गुलाब, और कितना सारा गुलाब है भाई, मतलब एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं देख कर रुक गया, मैंने यार बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मम्मी के साथ मैं एक आधा फोटो खिंचवाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। भैया मिले और नारियल यहीं से प्रसाद का लेते हैं, क्योंकि ये कितने रुपए का है देख रहे हो गाइस, 20 रुपए का नारियल बेच रहे हैं। और वहाँ कितने का मिलता है? 30-40 रुपए का देते होंगे। चलिए गाइस, अब इसे लेके आगे मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये है बैलोन माता का गेट, अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं सीधा बैलोन माता के। सीधा चलते हैं बैलोन माता देवी मंदिर, और मैं बैलोन जैसा कि मैं पहुँच चुका हूँ, और अब सीधा दर्शन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि कुछ आसपास ऐसा कुछ है, क्योंकि मंदिर जो है बहुत अंदर है, एक तरह से घर भी बने हुए हैं, आपको दिख रहा है ना। पर अभी आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा, उससे पहले चलते हैं फिर आगे। ना आम का अचार है जो 20 रुपए का 250 ग्राम है, यानी कि 80 रुपए किलो। फाइनली मैं मंदिर के अंदर पहुंचने वाला हूं, मंदिर के बाहर आपके दर्शन करा रहा हूं। ये है वो मंदिर का दरवाज़ा, जो यहां का बुलंदशहर का बहुत नामी मंदिर है। तो अभी अंदर चलते और अंदर चल के बात करते हैं। तो गाइस फाइनली आपका भाई मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुका है, पीछे आपको दिख रहा है पुलिस वाले उन्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ जल्दी से जल्दी खाली करो और चलो अब सीधा चलते हैं अंदर। तो गाइस मेरी माँ के दर्शन करो, मेरी बैलोन वाली देवी। तो गाइस मेरी प्यारी सी माँ आपको पीछे दिख ही रही होंगी, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको मंदिर के बाहर में दिखा। दर्शन हो चुके हैं हमारे, कैसे लगे आपके दर्शन? बहुत बढ़िया, ऐसे माता रानी के दर्शन बहुत होते रहे यार, सच में दर्शन बहुत अच्छे हैं। आपको मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है भाई, सरकार के हाथ में आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर रखा है, तो उसकी कोई बात तो होगी और कोई तो कुछ होगा। चलो चलिए बात करते हैं और आगे करते हैं। मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कैसे पता चला के? तो का नाम सर्वमंगला देवी है, सर्वमंगल मंगलेश्वरी नारायणी है, इसका बीज मंत्र है। तो बाबूजी एक और बात जानना चाहता हूँ आपसे कि इस मंदिर में मैंने जो सुना है कि पैर माता का अभी तक दिखा नहीं है, लोगों ने बहुत खुदाई भी करा ली है उस पैर के चक्कर में, वो क्या है? संपूर्ण देवी है, पूरी पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरी संपूर्ण देवी। अच्छा, कहीं सीखा नहीं। अच्छा, पैर का कोई अंत अभी तक दिखा नहीं है? नहीं। तो ये एक रहस्यमय चीज है, आपको भी आपने तो देखा होगा अपने सामने। ये माता जी रहस्यमय चीज है, माता यहीं से उतर चुकी है। अच्छा, और ये कोई मूर्ति पथराई हुई नहीं है। अच्छा, ये जमीन से निकली हुई। चलिए बाबूजी धन्यवाद आपका बताने का। और भी यहाँ पर इस समय हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फोर फादर्स ने इसकी सेवा की है। अब आज यहाँ पर गवर्नमेंट अपना आज पत्र जमा रही है, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में निर्णय थे, और गवर्नमेंट की यहाँ पर हमारे पेट पर लात मार करके और हमें पूजा अर्चना से वंचित किया जा रहा। चलिए मैं ये बात जरूर पहुंचाऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से, और देखिए जो भी मदद हो माता रानी आपको सब सही रखेगी जल्दी। धन्यवाद बाबूजी। अभी भाई कुछ बच्चे मुझे मिल गए हैं जो पैसे मांग रहे हैं मुझसे, भाई बोल रहे हैं कि पैसे मत दो, इन्हें चीज़ खिला देता हूँ और चीज़ खिला के आपको बात करता हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, ठीक है?
बहुत स्पेशल रबड़ी है। और एक टाइम पंडा जी होते थे, अब ऐसे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ की सरकार ने इनकी सब चीज़ें छीन ली हैं। भाई है और मामा हैं, तो अब इसे खा के बात करते हैं। सुंदर सीजू मिला है मेरे को, और मुझे तो आपको पता ही है ना प्यारा। ओ आपकी तो मार्क्स भी बहुत सुनता है, आप खड़े करवा दो थे। आओ भी, मम्मी और मैं अब नरोरा आ गए हैं। ये परमाणु केंद्र है, आपको पता ही होगा नरोरा में, और बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं उतर रहा हूँ नीचे, अभी आपको मैं अपने आप को भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मम्मी से बात करते हैं और नरोरा के बारे में जानते हैं कि नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है, आप बताइए। और बुलंदशहर से 70 किलोमीटर है, बताइए। परमाणु केंद्र हाँ मुझे पता है। अगर ये किसी कारणवश कोई मतलब इसमें दुर्घटना हो जाती है तो ये उम्मीद है कि वो दूर दूर तक बुलंदशहर। बिल्कुल यार गाइस, आपको पता है अगर यहाँ कर दुर्घटना हो जाती है, अगर वो परमाणु फट जाता है तो दिल्ली तक की खत्म। चलिए आपको घाट दिखाएंगे यहाँ का, और अभी आगे चलते हैं। बहुत शांत एरिया है नरोरा, और कितना सुंदर है। अभी आपको मैं एक व्यू और दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो बहुत ही सुंदर शांत एरिया। कुछ ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ओह यार, वो ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज दो एरिया को मिलाता है, एक संभल को और नरोरा को, ये वो वाला ब्रिज है गाइस। चलिए आगे चलते हैं और कुछ भी आपको दिखाते हैं। फाइनली अभी ये हमारा घाट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बस गंगा जल का आचमन लेंगे, और बहुत सुंदर व्यू आप सबके सामने। पता है ये बहुत पुराना घाट है, यहाँ बुलंदशहर से 70 किलोमीटर है, क्योंकि हमारा बुलंदशहर यहाँ तक लगता है। इसके पार जो जाओगे तो आपको संभल लग जाएगा जिला, तो जिला संभल यहाँ से लगता है। चलिए गाइस आगे आपको दिखाते रहेंगे। और बंदर श्री मिले तो उन्हें केला देते हैं, लीजिए पकड़ीजिए। ओ भाई गुड कैच यार, चलो खा लो। चला गया भाई बंदर, इंजॉय करो यार आप भी। तो गाइस सामने आपको दिखाता हूँ पागल श्री, जो बहुत ही गहरे पानी में तैरता हुआ आ रहा है, बट इन्हें थोड़ी प्रैक्टिस होती है, बट यार फिर भी ध्यान रखना चाहिए। मम्मी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मुझे बताएं। अच्छा है, माता रानी के दर्शन अच्छे हो गए हैं, हमने फलार किया है अभी। हमने जैसा कि फलार अभी यहीं किया है, और बुलंदशहर से हम सुबह निकले थे 11:30 बजे निकले थे, अब 4:30 बज रहे हैं, और अभी हम प्रस्थान करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं नज़ारे दिखाऊंगा घाट के। घाट का नज़ारा ये नज़ारा आपको दिख रहा है ना, देखो हम यहाँ बैठे हैं। चलिए गाइस आगे बात करते हैं और चलते हैं आगे। अब पापा मैं मम्मी चल रहे हैं और चल के बात करते हुए हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, हमें बुलंदशहर भी पहुंचना है। कैसा रहा टूर, थोड़ा सा आप बताओ। टूर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और माता रानी के दर्शन, दिव्य दर्शन, ऐसे बहुत अलौकिक दर्शन हुए हैं भाई, बहुत अच्छे। माता रानी ने बहुत दर्शन अच्छे दिए इस बार। और मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप मेरे व्यूअर्स से? बस मैं यही कहना चाहूँगी भाई, यश को आगे बढ़ाएं, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। और भाई प्लीज यार ये करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसे जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब सीधा हम निकल रहे हैं नरोरा से, और फिर बात करते हैं आपसे जल्दी। चाय अच्छी है क्या? चलो थैंक यू सो मच, अभी हम चाय पीते हैं उसके बाद बात करते। चाय बहुत अच्छी थी। हाँ मम्मी चाय कैसी थी ये बताओ। चाय बहुत टॉप की बनाई है भाई इसने। अच्छा भाई, कभी भी आप आओ ना बेलोन की तरफ तो ये फाटक पड़ता है, यहाँ चाय बनाता है, बहुत एक नंबर चाय है। अफजाल नाम है भाई का, और एक नंबर चाय है भाई। वो मैंने पूरे 100 नंबर दे दिए वैसे। अच्छा 100 नंबर मेरी तरफ से भी भाई, 100 है ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे। आई होप गाइज आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया, उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दें और भर दें। चलिए गाइज अगले ब्लॉग में मिलते हैं कोई अगली जगह पर, जब तक के लिए टाटा।